नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो तीन बेहतरीन शेयर है जो कि आने वाले समय में आपको बेहतरीन रिटर्न दे सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक सेक्टर से है। मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी का यूज आ रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगा तो उसमें सबसे ज़्यादा यूज कौन होगा, बैटरी होगा। जैसे IT सॉफ्टवेयर काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से एक शेयर है। तो ये तीन शेयर जो कि आने वाले समय में आपको काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दे सकते हैं, तो आपको इन शेयर पर ध्यान देनी चाहिए। तो दोस्तों, पहला जो शेयर है हमारा सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड। पहले भी हमने एक वीडियो में आपको बताया था कि आने वाले समय में ये सारे शेयर जो है आपको काफी बेहतरीन रिटर्न दे सकते हैं जो IT सेक्टर से है। तो जब भी गिरावट में मौका मिले, जैसे आज मार्केट में गिरावट आए अगर और दो चार दिन करेक्शन आता है, निश्चित तो आपको ये अच्छे लेवल पर मिलेंगे, नीचे के लेवल पर। और इसका डिविडेंड यील्ड देख लीजिए कितना है, 7.90%। बहुत सारे लोग डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड में परेशान रहते हैं, कमेंट में करते हैं कि डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड में क्या अंतर है। तो डिविडेंड यील्ड सीधा समझिए, आप जितना रुपया इन्वेस्ट करेंगे सोनाटा सॉफ्टवेयर में, जैसे 1000 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो 7% उसका निकाल दीजिए, मतलब 7.90%, उतना आपको डिविडेंड के रूप में रिटर्न मिल जाएगा। तो ये होता है डिविडेंड यील्ड। तो डिविडेंड के रूप में आपको इतना परसेंट का रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए सोनाटा सॉफ्टवेयर करेंट प्राइस है 306.90 रुपीज़, और ये स्टॉक्स आपको डिविडेंड भी अच्छा खासा देता है, और इसका रिटर्न देख लीजिए कितना बेहतरीन है। अगर आप कभी गिरावट में बाय कर रहते हैं तब रिटर्न आपको अच्छा खासा मिलता है, देख लीजिए 4000%। लेकिन जो पीछे है आप उस पर ज़्यादा मतलब ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि पहले ये छोटी कंपनी हुए करती, धीरे धीरे ये कंपनी काफ़ी अपने आप को डेवलप की है। और अब आप देख लीजिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर शुरुआत का छोड़ दीजिए 2002 से पीछे का, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चार्ट है, देख सकते हैं। जब भी कंपनी में थोड़ी बहुत गिरावट आई, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है। और यहाँ पर जब भी गिरावट में आपको मिलता है नीचे के प्राइस पर, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये भी कंपनी देख सकते हैं, चार्ट काफी सॉलिड है। गिरावट में जब मिले तब इन्वेस्ट करना है, कभी भी आपको हायर प्राइस में इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। और नीचे के प्राइस पर जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो डिविडेंड यील्ड भी आपको 10% से ज्यादा का मिलेगा। तो समझ सकते हैं डिविडेंड के रूप में भी 10% का रिटर्न, साथ ही साथ आपको इसमें जो रिटर्न मिलेगा वो आपको ग्रोथ का भी मिलेगा, क्योंकि ये जो कंपनियां हैं, इस सेक्टर की जो कंपनियां काफ़ी परफॉर्म करने वाली है आगे। उसके बाद जो अगला हमारा है अमर राजा बैटरीज। जैसे अगर आप जानते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल का युग आ रहा है, आने वाले समय में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसका डिमांड काफ़ी बढ़ेगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, बहुत ज़्यादातर यूज करेंगे किसका, जो हमारा बैटरी है, तो बैटरी का डिमांड भी बढ़ेगा। और ये कंपनी ऐसे भी काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म में। आप देख लीजिए 1 ईयर का, तो 1 ईयर में यहाँ पर देख लीजिए इसमें जो गिरावट आया था पैंडमिक में, वहाँ से काफ़ी तेज रिकवरी किया, V-शेप रिकवरी है, देख सकते हैं। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी सॉलिड चार्ट है। 5 ईयर्स में काफ़ी अंडर परफॉर्म रहा है, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो आने वाला ही आया नहीं है। तो पिछले 5 साल से ये स्टॉक काफ़ी अंडर परफॉर्म रहा है, लेकिन अब जो है ये काफ़ी परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि जो एक साइकिल होता है, जब साइकिल अप साइकिल आता है तो ये सारी कंपनियां काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म करके आपको देगी। जैसे आप 2001 से देखिएगा रिटर्न, तो यहाँ जो पिछले 5 साल अंडर परफॉर्म है, नहीं तो उससे पहले 23,000 से भी अधिक का रिटर्न दिया है इस कंपनी ने। वहीं अभी तक की बात करें 2001 से, तो 16,000% से भी अधिक का रिटर्न दे रहा है ये कंपनी। तो काफ़ी बेहतरीन कंपनियों में से एक है। तो इस कंपनी में आप लॉन्ग टर्म के लिए चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी शानदार है, 1.51% का डिविडेंड यील्ड है। तो ये ऐसी बेहतरीन कंपनियों में ही आपको इन्वेस्ट करनी है। उसके बाद अगला है एक्साइड इंडस्ट्री। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये 5% आज डाउन है, पूरे मार्केट में ही काफ़ी ज़्यादा गिरावट आया था। तो ये भी कंपनी काफ़ी बेहतरीन है, इसका भी लॉन्ग टर्म का चार्ट दिखाते हैं आपको, काफ़ी बेहतरीन दिखेगा। 5 ईयर्स में भी ये कंपनी परफॉर्म की है, 5 ईयर्स में 10% का रिटर्न। तो देखते हैं, जो हमारा अमर राजा बैटरी था वो तो अंडर परफॉर्म था, लेकिन ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म की। आप कभी भी देख लीजिए, कभी भी आप इन्वेस्ट किए रहते तो इसमें पॉजिटिव रिटर्न में रहते, सिर्फ पीछे का जो 3 साल है उसको छोड़ दें, पिछले 2-3 साल से ये भी स्टॉक अंडर परफॉर्म है, नहीं तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को, और आने वाले समय में भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न देने वाला है। क्योंकि अब जो युग है वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज होने वाला है, उसमें ज़्यादातर यूज इलेक्ट्रिसिटी का होगा, तो काफ़ी परफॉर्म करेगा ये स्टॉक्स, जो IT स्टॉक्स है, जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कंपनी लाएगी। अभी हम निश्चित नहीं है कि जैसे TVS मोटर्स है और बजाज ऑटो है, कौन सी कंपनी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर आएगी, टाटा मोटर्स कौन सा कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर आएगी। जो कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर आएगी आपको लग रहा है, तो अभी सही वक्त है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने का,
तो जैसे आपको लग रहा है कि ये कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आ सकती है मार्केट में सबसे पहले और ज़्यादा डिमांड रहेगा इस कंपनी के इलेक्ट्रिक व्हीकल का, तो उसमें अभी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे अशोक लीलैंड है, काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पे ये सारे शेयर मिल रहे हैं, तो अगर लग रहा है कि ये कंपनी बहुत जल्द इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर आने वाली है, तो उस ऑटो सेक्टर में, टू व्हीलर सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ बात कर रहे थे एक्साइड इंडस्ट्री का, इसका भी डिविडेंड यील्ड देख लीजिए 2.75% है, काफ़ी बेहतरीन है, और गिरावट आता है तो निश्चित है ये 5% तक जा सकता है ये डिविडेंड यील्ड। सोनाटा सॉफ्टवेयर, इसमें बताया काफ़ी बेहतरीन डिविडेंड यील्ड। अमर राजा बैटरी, उसका भी 2% के आसपास होने जा रहा है डिविडेंड यील्ड, इसका भी डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छा है। तो ये सारी कंपनियाँ हैं जिसमें डिविडेंड यील्ड भी मिल रहा है आपको, मतलब जो आप इन्वेस्ट करेंगे उसका इतना परसेंट डिविडेंड यील्ड, मतलब होता है जितना इन्वेस्ट करेंगे उसका इतना परसेंट आपको डिविडेंड के रूप में मिल जाएगा। मतलब सीधा कहिए 100 रुपया में 2.75 रुपया आपको हर साल डिविडेंड के रूप में मिल जाएगा, जो कम और ज़्यादा भी हो सकता है, जो कंपनी के प्रॉफिट पे हर साल डिपेंड करता है। कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होता है तो आपको डिविडेंड इंक्रीज हो जाएगा, मतलब ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा। और चार्ट तो देख ही सकते हैं कितना सॉलिड है, और रिटर्न देखिएगा तो काफ़ी बेहतरीन है लॉन्ग टर्म में, रिटर्न देख लीजिए 9000% 10000% का है, तो काफ़ी बेहतरीन है। अगर अभी तक मैं बात करें तो 6000 के आसपास रिटर्न दिया है, तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न है, डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी शानदार है। और आने वाले समय में यह सबसे बेहतरीन बात है कि आने वाले समय में और बेहतरीन रिटर्न आपको दे सकता है। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।